नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। माताओं बहनों को, छोटे और बड़ों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वशीकरण। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्ते जो हैं पीछे छूटते जाते हैं, जिनकी वजह से नाराजगी, घर में कलेश या अन्य तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती हैं। इन प्रॉब्लम से बचने का या फिर यूं कहें इस प्रॉब्लम को दूर करने का उपाय सिर्फ एक ही है, वह है वशीकरण। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वशीकरण कैसे किया जाता है और किस तरह किया जाता है और किसके जरिए किया जाता है। यह हम किसी पर भी कर सकते हैं, चाहे वह आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे वे आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे जो आपकी बात ना मानते हो, या फिर आपको किसी को अपनी बात मनवानी हो, तो आप वशीकरण का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। हम आपकी सहायता के लिए 24/7 अवेलेबल रहेंगे। और आज हम जिस वशीकरण विधि के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस विधि का नाम है चाबी और ताला से वशीकरण। जी हाँ, इस तरीके का ताला है और ये है चाबी। तो दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं इस विधि की। सबसे पहले हमको एक ताला लेना है। देखिए, इस तरीके का ताला आपको लेना है, उसके ऊपर अपने प्रेमी का नाम लिखना है। आप इस तरह से एक पेन ले सकते हैं, जिससे यहाँ पर आपको अपने प्रेमी का नाम लिखना है और प्लस का साइन लगाकर उस पर अपना नाम लिखना है। आपका जो भी नाम है, खुद का नाम उस पर आप लिख सकते हैं, और उस ताले को चाबी से आपने बंद कर देना है। तो ये चाबी है, इस चाबी से आपको इस ताले को इस तरीके से बंद कर देना है। जैसे कि ये मैंने बंद किया, ये चाबी बंद हो गई। तो इस तरीके से आपको बंद कर देना है। उसके बाद 3 दिन तक इस ताले को छुपा के रखना है, और उसके बाद आपको जो हमारे गुरुजी का नंबर दिया है उस पर फोन करना है, जहां से आपको वह मंत्र मिल जाएगा या वह तरीका जो आप जानना चाहते हैं, जिससे कि आप वशीकरण कर पाएंगे, आपको बताया जाएगा। आपको क्या करना है, उस ताले और चाबी के साथ किसी को वश में करने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और गुरुजी से रास्ता जान सकते हैं कि किस तरह से ये उपाय आपके प्यार को आपकी जिंदगी में वापस ले आएगा और आपकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाएगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए और जो प्यार आपसे वंचित होकर रह गया है, आपकी जिंदगी में वापस लौट आए। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल आप सभी से मैं इजाजत लेना चाहूंगी। किसी भी चीज के बारे में अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं, तो इन नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं। आपका प्यार आपके जीवन में सदा बना रहे। इसी के साथ जय माता दी।